सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट पर, खरीदने वाले हैं, देख सकते हैं जो चीजें हैं। किधर आ देना है, सो गाइस ये है बेस का खाल यानी कि चमड़े। हम लोग आज बाकी काम कर जाके। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपना घर और वहां पे जाके इसको पकाएंगे। है ना बोलूं बम्पर बम्पर तो चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं। सो ये गाइस देख सकते हैं, ये है भैंस का मीट, बफालो का मीट, सबका कलरा नूडल, मोजरा मोजरा और ताजा मजरा, एकदम काटी मजरा, मार्केट सब समय न भाई। दिए जी शुगर नहीं दी जो लोग है आर लोग है मजर शाम हुआ गया। बैग्स का काल भी है, आलू देख सकते हैं। आज आप लोग देखोगे कि किस प्रकार से इसको एक्चुअली बनाया जाता है, स्पेशली गांव में कैसे इसको खाया जाता है। ये देख सकते हैं ये बैग्स का जो है काल, मोजोरा नहीं मोजो शाम, इन्हें बोलते हैं मोजो शाम। और इसको तो आप लोग देख ही रहे हो, ये भैंस का मीट यानी कि बफालो का मीट, बहुत ही टेस्टी होंगे आज, बहुत ही मजा आएंगे। ये देख सकते हैं आग हमने जला लिए हैं। यहाँ पे जो भैंस का जो खाल है उसको हम पहले यहाँ पे आग में जलाएंगे। ते हैं ये दो स्टिक मैंने बनाए हैं, आप इसको ये डायरेक्टली जाएगा आग पर। ये देखो, और ये है वो स्टिक जिसको मैंने बनाया था खास करके बफालो का जो मीट है इसको इसके अंदर घुसाने के लिए। মদকে নেক মার্কে তো থেকে নয় গরম হব। अब गाइस इसको हम अच्छी तरीके से जो है जला चुके हैं और अब इसको जो है ना इसके अंदर जो आसपास का जो मैल है उसको हम हटाएंगे। राइट, देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हटाया जाता है।
दिखाने वाला हूँ आप लोगों के आंखों के सामने। ये वाह, शाम तुम पता है देगा तुम जमे ये सौ है देगा चूल्हा। ये एक डिजिटल चूल्हा है, इसको आप जहाँ मर्जी वहाँ लेके जा सकते हो, घुमा सकते हो, 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। इसी के ऊपर ही अभी हम लोग पकाने वाले हैं। तो दिया गया है यहाँ पे कुछ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और ये पकाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ ही देर के बाद ये पूरी तरीके से पक जाएगा। और यहाँ पे मिक्स पियेंगे कच्चे वाले इमली का, इमली नहीं है, इमली के जैसा ही एक फल। सो गाइस, फाइनली हमारे बेस का जो खाल है वो खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है।